हाँ जी रोल जी सर हिंदी 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 जी जी सर कैमरा फेस करना चलो रोल जी पहले हिंदी कर पहले दसो हिंदी बोलना पहले हिंदी 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 तू रख लाओ ऊपर यार आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वरुण गांधी ने जो अल्फाज कहे कि इस मुल्क के अंदर जो है जो अकलियत है उसके हाथ गाड़ दिए जाएंगे और सिखों के ऊपर भी तनकीद की वहाँ जो बैठे हुए थे यह मुल्क जो है उनके बाप की जागीर नहीं है। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने सिखों ने हिंदुओं ने बड़ी कुर्बानी दी है। हम इस मुल्क के अंदर किरायादार नहीं है। उनको बोलिए अपनी जुबान को लगाम दें और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे शख्स को पकड़ के अंदर करें और इसके ऊपर पाबंदी लगाए कि इलेक्शन ना लड़ सके। और शाहनवाज को चाहिए कि बीजेपी छोड़ दे क्योंकि अगर ऐसे बीजेपी के अंदर रहकर अगर वो मुसलमानों की तहफ़ुज़ नहीं कर सकते तो ऐसी पार्टी के अंदर रहकर वो क्या करेंगे। और बीजेपी को चाहिए कि ऐसा कोर्ट मत खेले इससे देश के टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम फिरकों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। सर आपको लगता है कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को खेला गया यहाँ पे तो कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि उससे पहले बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था लेकिन बीजेपी पूरे पावरफुल की तरह सेंटर में नहीं आ सकी। सेंटर में बीजेपी कभी नहीं आ सकती जब तक मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेगा और बीजेपी जब तक अपनी नीति नहीं बदलेगी जब तक मुसलमान बीजेपी का वोट नहीं डालेगा। सर गांधी परिवार के बारे में क्या कहना है? गांधी को गांधी के परिवार से है ही नहीं है। वो वरुण गांधी गांधी के परिवार से है ही नहीं। वो तो जवाहरलाल की कोई नस्ल नहीं है। वो तो लड़की से नस्ल नहीं चलती बाप से चलती है। वो तो गांधी का नाम बदनाम कर रहे हैं गांधी लफ्ज को बदनाम कर रहे हैं। ये जहरीले लफ्ज जो है गांधी परिवार में से कोई शख्स नहीं कह सकता। इसी तरह बाल ठाकरे उनको सपोर्ट कर रहा है राहुल। बाल ठाकरे साहब की जो सियासत है वो महाराष्ट्र तक है। हम तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं। उनकी सियासत उनके साथ है हमारा उनसे इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं। सर आपको लगता है उसके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च की गई है तो क्या एफआईआर तक ही मामला रहेगा? ये सिर्फ तमाशा है कि सरकार तमाशा कर रही है। अगर सरकार बिल्कुल सीरियस हो तो उसको पकड़ के फौरन वहीं अंदर कर देना चाहिए था ताकि ये जहरीले भाषण जो है वो आगे से देना बंद करे। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पंजाबी का एक मिनट में।